आज इन खबरों पर रहेगी विशेष नजर। जेईई मेंस एग्जाम हुआ रद्द, क्या जेपीएससी परीक्षाएं होंगी रद्द, मधुपुर उपचुनाव में कौन बनेगा किंग, झारखंड में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या कितनी हुई, क्या झारखंड में भी लॉकडाउन होगा। तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इनमें से आपके लिए कौन सा खबर महत्वपूर्ण रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। हो सके तो इस खबरों को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 27 से होने वाली जेईई मेन परीक्षा टली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली जेईई मेन के तीसरे सत्र की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिस भी अटैच किया है। बताते चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से तीसरे सत्र की परीक्षा 27, 28 और 20 अप्रैल को ली जानी थी, जिसे कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रद्द किया गया है। जेपीएससी के 5.5 लाख उम्मीदवारों की जान जोखिम में डाल परीक्षा लेने पर जोर क्यों, जब देश भर में परीक्षाएं हो रही हैं रद्द। जब देश भर के राज्य अपने यहां होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के अलावा नौकरियां के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2 मई को ली जाएगी। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, फिर भी राज्य भर से स्टूडेंट के बीच यह चर्चा बनी हुई है कि आयोग का जोर 5.5 लाख उम्मीदवारों की जान जोखिम में डाल परीक्षा लेने पर क्यों है। बताते चले कि इस परीक्षा के लिए 5.5 लाख स्टूडेंट ने आवेदन कर रखे हैं। परीक्षा के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच डाले गए वोट, 76.16% मतदान, 2 मई को आएंगे रिजल्ट। अब जाने खबर गोड्डा जिला से। शहरी क्षेत्र के दुकानदारों के द्वारा सरकार के कोविड-19 रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने के कारण 3 दुकानदारों पर की गई जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई। हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सेना में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की मदद मांगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य में तैनात सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और एसएसबी के डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल कर्मियों की मदद मांगी है। साथ ही रांची और रामगढ़ के सेना अस्पताल का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए उपयोग में लाने की अनुमति दिलाने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया है। यह खबर है दुमका जिला से। माकपा के जुझारू नेता, सिल्ली के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह मुंडा का निधन। 88 साल के राजेंद्र सिंह मुंडा ने आज अपने पैतृक गांव सोनाहातू में उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर बाद गांव के ही घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर है साहेबगंज जिला से। बरेड के 16 केंद्र पर टीका लेने नहीं आए लोग। कोरोना की रोकथाम के लिए शनिवार को पूरे जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया, लेकिन हकीकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बरहेट में 19 केंद्र बनाए गए थे, 16 केंद्र में एक भी व्यक्ति टीका लेने नहीं आया। प्रचार प्रसार की कमी व अफवाह से यह स्थिति पैदा हुई है। इस वजह से वैक्सीन देने पहुँचे स्वास्थ्य कर्मियों को काफी मायूसी हुई है। जगह जगह चला मास्क जाँच अभियान। जिले में शनिवार को जगह जगह मास्क जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के यात्रा कर रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। बड़हरवा प्रखंड के मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अरविंद मुर्मू के नेतृत्व में प्रखंड के पटना चौक पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए मास्क नहीं लगाने वाले की जांच पड़ताल की गई। खबर है जामताड़ा जिला से। फलेरिया उन्मूलन दवा से एक भी व्यक्ति न रहे वंचित। जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पहल आरंभ की जा रही है। विभागीय पहल में चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी एवं सर्वेक्षणकर्ता को प्रशिक्षण देना प्राथमिकता है, ताकि अभियान के निर्धारित अवधि में फलेरिया प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर नए रोगियों की खोज कर उसका उपचार किया जा सके। ऑक्सीजन को लेकर बंगाल पहुंचे इरफान अंसारी। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को बेहतर कदम उठाया है। शनिवार को डॉक्टर इरफान अंसारी पश्चिम बंगाल के रूप नारायणपुर स्थित बंगाल ऑक्सीजन एंड कंपनी पहुंचे। चतरा में सुरक्षा बल को निशाना बनाकर बिछाए गए 4 कैन बम बरामद। चतरा में नक्सली विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 4 शक्तिशाली कैन बम को बरामद किया गया है। कुंदा थाना क्षेत्र के खपिया मदारपुर जंगल में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बरामद बमों को डिस्फ्यूज कर दिया है।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।